Hello, bacho. Very, very good afternoon. Welcome back to Class Apart, your very own favorite channel. And welcome back to your English Educator session. No, actually, I'll say, आपकी फेवरेट इंग्लिश एजुकेटर की सेशन में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। तो बच्चों, वेल, आप सबको पता ही है कि मैं यहाँ पे आपको क्लास सेवेंथ की इंग्लिश फिलहाल पढ़ा रही हूँ। सो आज हम करने वाले हैं बच्चों, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है एन एलियन हैंड, उसका चैप्टर नंबर 5। यस, आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक सो। या तो ये उसका चैप्टर नंबर 5 है, गोलू ग्रोज़ अ नोज़। तो बच्चों, ये बड़ी क्यूट सी स्टोरी है। एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया है जहाँ पे आपको ऑथर ले जाता है, जहाँ पे आपको ऑथर ने बताया कि एक टाइम ऐसा था जब एलिफेंट्स के नाक जो हैं वो लंबे नहीं होते थे। अब तो हम सबको पता ही, दैट एलिफेंट्स हैव अ ट्रंक इंस्टेड ऑफ अ नोज़, वी ऑल नो दैट। तो गोलू जो है वो एक छोटा सा क्यूट सा एलिफेंट है, एंड ये उस टाइम में एलिफेंट है, उस टाइम का एलिफेंट है जब एलिफेंट्स के लंबे लंबे नाक नहीं होते थे। सो नाउ लेट्स सी कि गोलू जो है उसका मतलब, टाइटल देखो, गोलू ग्रोज़ अ नोज़, यानी कि गोलू का नाक जो है वो लंबा हो गया है। अब कैसे हुआ इसका नाक लंबा? सो लेट्स गो एंड डिस्कवर दिस। छोटी सी क्यूट सी स्टोरी है, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो अहेड। सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल कैन एस यू स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन। यूज माई कोड SOS10 टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज। देन बच्चों, हियर आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, ठीक है? आई कम विद 4+ years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। आई होप कि आपको मेरी क्लासेस में बहुत मज़ा आ रहा है। कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताना, ठीक है? सो बच्चों, बिफोर वी गो अहेड, आप सबने मुझे अन अकेडमी क्लास 6 के चैनल पर देखा ही होगा, अन अकेडमी के चैनल पे, है ना? तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अन अकेडमी का टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, ज़रूर ज्वाइन करें। सो दैट यू नो, यू डेफिनेटली एंड अप गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। देन बच्चों, इज योर बग्स बाउंटी, अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो उसको ज़रूर ज़रूर रिपोर्ट करें, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन इज अन अकेडमी आस्क अ डाउट, डोंट फॉरगेट टू बाय योर, आई मीन डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस फीचर। घर बैठे बैठे सवाल पूछने का मौका मिलेगा आपको, अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है तो वो आपको आपका आस्क डाउट से क्लियर हो जाएगा। तो आप पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स एनी टाइम थ्रू आउट द डे, और आपको जवाब मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, और आपको अपनी होमवर्क के लिए भी असिस्टेंस मिलेगा। देन बच्चों, हाउ डू यू यूज आस्क डाउट? तो आपको जाना है ऑन द अनअकैडमी ऐप, यू क्लिक ऑन आस्क डाउट, फिर आप अपने डाउट की एक पिक्चर क्लिक करेंगे, फिर आप उसको क्रॉप करेंगे और सब्जेक्ट मैच करके आप उसको भेज देंगे। विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर। वेल, लेट्स सी हाउ डिड गोलू ग्रो हिज नोज। ओके, लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, He had only a bulgy nose, as big as a boot. तो बहुत देर पहले, अगर आप देखेंगे, वो टाइम है जब एलिफेंट्स के एक्चुअली नोज ऐसे हुआ करते थे, बस ऐसा बल्जिंग, मतलब मोटा सा नोज था, ठीक है, एक बूट जैसा। He could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with. तो विगल मतलब हिला सकता था, बट अभी जैसे ट्रंक से वो चीज़ें उठाते हैं वैसे नहीं उठा सकते थे, क्योंकि लंबा नाक था ही नहीं। There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose, as small as a small boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" तो गोलू जो था ना बच्चों, बहुत ही inquisitive type का बच्चा था। तो inquisitive मतलब इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, जो बहुत curious होता है उसको inquisitive कहते हैं। तो गोलू बहुत ही inquisitive था, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते थे हमेशा। तो वो सब जानवरों को सवाल पूछता रहता था। उसने एक बार अपनी ostrich जो कि उसकी aunt थी उससे सवाल पूछा, तुम बाकी birds की तरह उठते क्यों नहीं हो? Then he asked his tall uncle the giraffe, जो उसका अंकल था उसको पूछा, what makes your skin so spotty, आपकी स्किन पे इतने spots कैसे हैं? He asked his huge uncle the hippopotamus, why are your eyes always so red? He asked his hairy uncle the baboon, why do melons taste like melons? तो वो क्या करता था, गोलू सबको जाकर सवाल पे सवाल पे सवाल पूछता रहता था, उसके दिमाग में बहुत सवाल आते थे, ठीक है? तो सभी उसको क्या बोल के निकाल देते थे, गोलू इज अ नॉटी बॉय, ही आस्क्स सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इतने सारे मतलब मुश्किल मुश्किल सवाल पूछता है, बड़ा ही नॉटी सा बच्चा है गोलू।
तो गोलू बेचारे की जिंदगी जो है ना बहुत ही कंफ्यूजन में कट रही है। मतलब बेसिकली गोलू जो है वो एक क्वेश्चन बैंक है, बस सिर्फ उसके पास क्वेश्चंस 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 ही है और बेचारे को सोल्यूशन ही मिलते नहीं थे। जैसे वो थ्री इडियट्स का गाना था, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन क्या पता नहीं। सो वही हाल था बेचारे गोलू का, सोल्यूशन तो उसको मिलते नहीं थे, क्वेश्चन उसके पास बहुत सारे थे। ओके, वन डे गोलू मेट दी मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। तो अब उसका एक और सवाल, उसने एक बार एक मैना बर्ड बैठी हुई थी उसको पूछा क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। तो मैना सेट गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तो मैना ने भी उसको शरारत करने के लिए बोल दिया, भाई वो एक बहुत ही बड़ा सा लिम्पोपो रिवर है, उधर चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। ही देन सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर। ठीक है, तो अब वो गोलू ने बोला चलो भाई मैं तो जाके ढूंढूंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। तो उसने अपनी फैमिली को बाय बाय बोला, खूब सारा खाना इकट्ठा किया और चला गया क्रोकोडाइल से पूछने। ठीक है, ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। उसने कभी भी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था और उसको बिल्कुल पता नहीं था कि क्रोकोडाइल दिखता कैसे है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक। तो रस्ते में क्रोकोडाइल से मिलने जाने के लिए उसको रस्ते में एक पाइथन दिखा, पाइथन इज अ स्नेक वी ऑल नो दैट। तो उसने पाइथन से पूछा आपको पता है कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है, मतलब आपको पता है कि वो डिनर में क्या खाता है, वो कैसा दिखता है, क्योंकि गोलू ने खुद तो कभी क्रोकोडाइल देखा नहीं था। The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. तो पाइथन ने सिर्फ अपनी ट्री की ब्रांच से खुद को अनकॉइल किया और उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया गोलू को। तो गोलू बेचारा शरीफ, उसने तो गोलू गोलू पोलाइटली हेल्प हिम कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। तो गोलू ने बेचारे ने पाइथन की हेल्प की कि भाई चलो ठीक है मैं वापस इसको कॉइल करने में मदद करता हूँ, और गोलू चला गया, उस बेचारे को कोई जवाब तो मिला नहीं। ओके, गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानास एंड मेलन्स। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हू विंक्ड एट हिम। तो क्रोकोडाइल्स जो होते हैं ना बच्चों, अगर आपने कभी देखे हो, वो एक्चुअली ऐसा आपको देखकर दूर से लगता है कि वो एक लकड़ी, बड़ी सी लकड़ी का पीस ही पड़ा हो, मतलब आपको, क्योंकि उनकी स्किन बिल्कुल वुड जैसी दिखती है। तो वही चीज़ गोलू को लगी, वो उसको रिवर के बैंक पे दिखा कि एक बड़ा सा क्रोकोडाइल जो था वो लकड़ी जैसा पड़ा हुआ था। सो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ लॉग ऑफ वुड, इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हू विंक्ड एट हिम। सो एक्सक्यूज मी सेड गोलू, तो क्रोकोडाइल जो होता है ना और कुछ से आपको पता नहीं चलता है, वो सिर्फ ऐसे करके विंक करता है। तो विंक इज लाइक आंख मारना, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। तो गोलू ने जाके क्रोकोडाइल को, बस बेचारे ने क्रोकोडाइल को तो कभी देखा नहीं था, तो उसने क्रोकोडाइल को पूछ लिया आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। बेचारा सीधा शरीफ सा गोलू था, उसको पता नहीं था क्या है क्या नहीं। कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। तो गोलू बेचारा को बोलता है आजा आजा मेरे पास आ जाओ, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो गोलू बोलता है आई वॉन्ट टू नो, बेचारा बोलता है मैं जानना चाहता हूँ, और इतने देर में क्रोकोडाइल उसको और पास मिलता है। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। तो क्रोकोडाइल्स जो होते हैं ऑलमोस्ट हमेशा उनको विकेड ही दिखाया जाता है, तो क्रोकोडाइल ने कुछ आंसू बहाए और उसको बोल दिया कि हाँ भाई मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, पास आ जाओ मेरे को ही ढूंढ रहे हो तुम। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी व्हाट यू ईट फॉर डिनर। तो गोलू बेचारा सरप्राइज होता है, वह हो जाता है अच्छा मैं आप ही को ढूंढ रहा था, पहले बताओ कि आप डिनर में क्या खाते हो। क्रोकोडाइल बोलता है कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू। तो क्रोकोडाइल उसको और अपने पास बुलाता है, बोलता है आ जाओ मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नॉट, स्नॉट इज नो मतलब माउथ बेसिकली। तो क्रोकोडाइल ने क्या किया, गोलू ने क्या किया, अपना मुंह जो है क्रोकोडाइल के माउथ के पास लेकर गया, क्योंकि क्रोकोडाइल उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें तो आंसर कान में बताऊंगा। तो वो अपना मुंह लेकर जाता है एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। तो अब भाई क्रोकोडाइल ने मौका देखते उसको नाक से पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माय डिनर, लेट मी गो योर हर्टिंग मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू।
आप गोलू को क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया, तो गोलू बोलता है मेरे को जाने दो, आप मुझे हर्ट कर रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। ओके, द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रॉक विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम। तो पाइथन अब आता है गोलू की मदद करने, उसको बोलता है कि अगर तुम अपने आप को पुल नहीं करोगे ना तो ये तुम्हें अपने अंदर पानी में खींच लेगा। गोलू सैट ऑन his little hunches and pulled, तो बेचारा गोलू बैठता है hunches like अपने एड़ियों के जोर पे बैठता है और pull करता है बेचारा खुद को जितनी जोर से कर सकता है। The croc slipped into the water, making it creamy with great sweeps of his tails and pulled, तो अब क्या हुआ कि crocodile जो है वो पानी के अंदर जाकर मतलब अपनी तेल को हिला रहा है हिला रहा है, स्लश वहाँ पे बन गया, मतलब मिट्टी सी बन गई एकदम, ताकि वो स्लिपरी हो जाए और गोलू जो है वो अंदर आ जाए। अब बेचारे गोलू ने क्या किया अपने आप को मदद का, अपने मतलब गोलू का गोलू सेव कैसे हुआ। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलू स्टमक एंड सेड लेट्स पुल हार्डर। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। तो अब पाइथन ने अपने आप को गोलू के अराउंड लपेट लिया और उसको बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हें खींचने में मदद करता हूँ। पाइथन उसको पीछे खींच रहा है, क्रोकोडाइल उसको पानी की तरफ खींच रहा है। तो गोलू ने भी अपने पाँव जो है पूरे के पूरे मिट्टी में डाल दिए और पूरा जोर लगाया कि मैं अपने आप को बचा लूँ। ओके, विद ईच पुल द न्यू नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, इट हर्ट गोलू। अब क्या हुआ, क्रोकोडाइल उसका नोज खींच रहा है तो गोलू का नाक लंबा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता ही जा रहा है और गोलू को दर्द हो रही है। Now finally what happened with the nose was now 5 feet long but it was free at last। तो अब फाइनली क्या वो क्रोकोडाइल ने खींच खींच के उसका नाक कर दिया 5 फुट लंबा, बट फ्री हो गया अब उसका नाक फाइनली। The nose kept on stretching with each okay Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the grass hung it in the great grassy Limpopo river to cool। तो वो बेचारे को इतना दर्द हो रहा था नाक में तो उसने बनाना का लीफ लपेटा और पानी में डाल दिया कि वो ठंडा हो जाए। इट ग्रू कोल ओके गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and shrink। बेचारा वो वेट करता रहा कि भाई मेरा नाक शायद दोबारा छोटा हो जाए। इट ग्रू कोल बट इट didn't shrink। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड stung गोलू ऑन द शोल्डर। तो अब 2 दिन के एंड के बाद क्या हुआ, एक मक्खी आई और उसने शोल्डर को शोल्डर पे काटा गोलू को, ठीक है। ओके, गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज द ट्रंक जिसको हम बोलते हैं विद इट हिट द फ्लाई डेड। तो उसने अपना वो लंबा सा नाक उठाया ट्रंक और फ्लाई को ऐसे करके मार दिया और वो मर गई। एडवांटेज नंबर 1 हिस्ट द पाइथन। पाइथन तो वहीं पर था तो बोलते हैं नंबर 1 आपकी क्या एडवांटेज है लंबे नाक की, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिल नाउ। अभी उसने पाइथन ने बोला आप इसकी देखो क्या क्या मजे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, अगर आपका नाक छोटा होता तो आप ये नहीं कर पाते। तो बोलता है ट्राई एंड ईट अ लिल नाउ, तो अभी कोशिश करो कुछ खाने की। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, ही डस्टेड इट अगेन इट्स हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इट इन टू हिज माउथ। वो अब गोलू को फायदे ही फायदे हैं, वो अभी उस नाक से खा पा रहा है, चीजों को उठा पा रहा है, मार पा रहा है। तो एडवांटेज नंबर 2 हिस्ट द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डू यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। तो अब क्या हुआ कि वो पाइथन बोलता है कि भाई अगर आप तुम्हारा नाक छोटा होता तो तुम ये कभी नहीं कर पाते। सो कितना देखो कितना एडवांटेज कितने एडवांटेजेस हैं इसकी। ओके चलो आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, तो ये देखो ये पाइथन ये जो क्रोकोडाइल है इसने गोलू का नाक खींच खींच के लंबा कर दिया है, पाइथन बेचारा इसको बचा रहा है और किसी तरीके से गोलू बेचारा बच गया। गोलू स्कूप्ड डाउन सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। एडवांटेज नंबर 3 हिस द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ठीक है। तो अब गोलू जो है अपने नाक से बहुत सारे काम कर पा रहे हैं और पाइथन जो है वो उसको बताता जा रहा है कि देखो कितने सारे बेनिफिट्स है लंबे नाक के। तो थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल ऑफ दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। तो अब फाइनली गोलू का नाक हो गया है लंबा और वो बहुत ही खुश है और उसने बोल दिया चलो जी थैंक यू सो मच, आई विल गो बैक टू माई फैमिली नाउ। तो ये हो गई है जी कहानी हमारी गोलू जी की, फाइनली एलिफेंट्स के नाक लंबे हो गए जैसे हमको आज दिखते हैं।
तो बच्चों बिफोर गोइंग अहेड, अगर आपको और भी डिटेल पढ़नी है इस चैप्टर के बारे में तो प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना मत भूलेगा। क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके सभी, आपको घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका मिलेगा, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज। और ये सभी बेनिफिट्स कितने में, 2 साल 25,000, 18 महीने 20,000, 15 महीने 18,000, और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10। Then, बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स हैं, यू हैव अ पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। और प्राइस क्या है, 2 साल 48,000, 18 months 35,000, 15 months 32,000, और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10। And then, but you don't forget to use my code SPSO10 to unlock free special classes and free test series. रोज 4 बजे आप मेरी special class में आते हो ना, I think आज नहीं, coming week में दोबारा Monday को है मेरी special class. तो use my code SPSO10 to unlock my free special class and बच्चो SOS10 to buy your subscription. Thank you so much, बच्चो. Let's crack it together with an academy. Bye bye, I love you all.